बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। इस शिक्षण संस्थान के जितने भी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने विद्यार्थी और धर्म प्रेमी सज्जन सुंदर साथ उपस्थित हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। ये आज का कार्यक्रम केंद्रित है, हाँ, बहती गंगा में लाभ सब ले रहे हैं, सबको लेना चाहिए। इसलिए मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विद्यार्थियों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपको पता है कि दुनिया में लाखों प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सबसे महान प्राणी किसको कहा जाता है? मनुष्य, मानव, इंसान, ह्यूमन बीइंग। छोटा सा बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है, लेकिन अब अगला सवाल ये होता है, काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं ना, कि क्यों मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है? क्या उसमें जानवरों से ज्यादा ताकत है? जिस बैल को हम हाँकते हैं खेत जोतते समय, वह भी हमसे ज्यादा ताकतवर होता है, हमसे ज्यादा भार वो उठा सकता है, इसलिए तो नहीं? खूबसूरती के लिए कि मनुष्य सुंदर दिखता है, इसलिए? इसमें कोई संशय नहीं है कि मनुष्य सुंदर दिखता है, लेकिन सुंदरता की परिभाषा अलग अलग होती है। यदि दूसरे प्राणी सुंदर नहीं होते तो हम चिड़ियाघर क्यों जाते हैं? कुरूपता देखने तो नहीं जाते ना? कोई गंदी चीज देखने, कोई बुरी चीज देखने के लिए कोई इंसान पैसा खर्च करके, टिकट खर्च करके नहीं जा सकता। पशु भी सुंदर होते हैं, और जानवरों के बच्चे देख लीजिए, जैसे कोई कुत्ते का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, भेड़ का बच्चा हो, कितना सुंदर दिखता है। तो इसका मतलब ये कि सुंदरता की वजह से भी नहीं है, ताकत की वजह से भी नहीं है, सुंदरता की वजह से भी नहीं है, तो फिर किस लिए? इंसान के पास पैसे हैं इसलिए? नहीं, पैसों की वजह से भी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान पैसों से तो महान नहीं कहला सकता। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए इस दुनिया में जिसको केवल उसके पास धन होने की वजह से जाना जाता हो, कोई है ऐसा? अंबानी के पास धन है इस वजह से नहीं जानते लोग उसको, सिर्फ धन की वजह से। अभी जानते भी होंगे तो कुछ समय के बाद में भुला देंगे। भामाशाह का नाम आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना है? उनको क्यों जानते हैं? धन था उनके पास, है ना, लेकिन उनके पास धन था इस वजह से हम उनको नहीं जानते। उन्होंने उस धन का त्याग किया देश के लिए, धर्म के लिए, इस वजह से जानते। अगर त्याग नहीं करते तो आज हम हमारे इतिहास में, महाराणा प्रताप के इतिहास में हम उनको नहीं जान पाते। तो कोई धन की वजह से भी महान नहीं कहलाता। हाँ, धन की वजह से जब तक है तब तक जाना जा सकता है, लेकिन अगर आपसे वास्तव में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, महान बनाता है, आप क्या कहेंगे? बुद्धि, विद्या, ज्ञान? मनुष्य को महान बनाने वाली चीज है विद्या, आप इसको ज्ञान कह लीजिए, और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमें चाहिए बुद्धि। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम महान हैं तो उसके पीछे कारण है बुद्धि का। लेकिन केवल बुद्धि होने मात्र से कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि तो रावण के पास भी थी, विद्या रावण के पास भी थी, राम से ज्यादा थी, तभी तो लक्ष्मण को सीखने के लिए भेजा था उन्होंने अपने अंतिम, रावण के अंतिम समय में। तो केवल बुद्धि होने मात्र से भी नहीं होता, केवल विद्या होने मात्र से भी नहीं होता। हाँ, जो विद्या आपकी बुद्धि में है, वह यदि आचरण में है, तो उस व्यक्ति को महान कहा जा सकता है। अब विद्या कौन सी?
आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार की विद्या होती है, कितने प्रकार की होती है। जितने भी विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं सब लोग याद रख लें इस चीज को, विद्या होती है दो प्रकार की। एक विद्या कहते हैं पराविद्या और दूसरा है अपरा। इसको लौकिक और अलौकिक भी समझ सकते हैं या आध्यात्मिक और भौतिक विद्या के रूप में भी समझ सकते हैं। भौतिक विद्या में क्या क्या आती है, आप स्कूल में जो भी चीजें पढ़ते हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, कितने विद्यार्थी है साइंस पढ़ने वाले यहां पर हाथ खड़ा कर लीजिए एक बार। साइंस कौन कौन पढ़ रहे हैं अभी, अच्छा हाथ नीचे कर लीजिए। तो जो साइंस हम पढ़ रहे हैं अभी वो भौतिक विद्या में आती है। हम भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज है ना। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं यहाँ पर, आप सभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी भौतिक विद्या के अंदर आती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी सारी विद्याएं जो आपको इस संसार के बारे में बताती है या इस संसार से पैसा कैसे कमाना है उस बारे में बताती है, इस संसार की सच्चाई के बारे में बताती है, वो भौतिक विद्या है अथवा लौकिक विद्या है। लौकिक मतलब लोक से, संसार से संबंधित। और आध्यात्मिक विद्या में क्या आती है, जैसे कि अभी हमने आचार्य शशांक जी के मुख से सुना कि मैं कौन हूं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कौन हूं ये बताने वाली विद्या आध्यात्मिक विद्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं कौन हूं ये तो सबको पता है, आपको पूछा जाए आप कौन हो आप अपना अपना नाम बता देंगे, जैसे मेरा नाम अशोक है, इनका नाम शशांक जी है, इससे पहले हमारे रामेश्वर जी थे, सब अपना अपना नाम बताएंगे। लेकिन क्या आप वो नाम हो, नाम तो आप नहीं हो ना। जैसे मेरा नाम शशांक है थोड़ी देर के लिए, वैसे मेरा नाम अशोक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरा नाम बदल के शशांक रख दिया जाए और इनका अशोक कर दिया जाए, तो क्या इनके गुण में, रंग रूप में, आचरण में फर्क आएगा, मुझ में आएगा? इसका मतलब यह है कि मेरी पहचान नाम भी नहीं है। अच्छा, दूसरा परिचय इंसान कैसे देता है, अपना गांव बताता है ना कि मैं टाबर से हूं, मैं सरसावा से हूं, मैं नकोड़ से हूं, मैं सहारनपुर से हूं। अच्छा, अगर स्थान बदल दिया जाए, जगह बदल दी जाए, मैं टाबर गांव का रहने वाला हूं और मैंने अपना पता बदल लिया, मैं दिल्ली में रहने लग गया, तो भी मुझ में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। मेरे माता पिता के नाम से लोग मुझे जानते हैं, अगर मुझे किसी और ने गोद ले लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दुनिया का सत्य है कि कुछ समय के बाद मेरे माता पिता नहीं रहेंगे, तब भी मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात मेरे गुण कर्म स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मैं अशोक भी नहीं हूं, मैं इस किसी जगह से बंधा हुआ भी नहीं हूं, मैं किसी दुनिया के संबंध से बंधा हुआ भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? फिर ये है मैं कौन हूं का उत्तर यहां से शुरू होता है। अब आपको मैंने पूछा कि कौन कौन साइंस पढ़ रहा है, आपने तो अभी शुरुआत की है और एक विषय आप साइंस का पढ़ते हैं और उस एक विषय में ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग पार्टीशन है वही पढ़ते हैं। जो इसी विषय में थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो थोड़ा नास्तिकता की तरफ मुड़ जाता है और फिर कहने लगता है कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा क्या कहती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और पाश्चात्य सभ्यता, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो ये बताती है, सिखाती है कि आत्मा भी नहीं है और जब आत्मा नहीं तो परमात्मा नहीं है। इसके पीछे वो कुछ तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं कि आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है,
फिर पूछा था शरीर को कौन चलाता है, कहते नहीं हम खाना खाते हैं, खाने से जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो शरीर को चलाती है, एनर्जी ही सब कुछ है, आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है। ये सामान्य जो साइंस पढ़ने वाले ऐसे लोग तर्क देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति जिंदा है और कोई व्यक्ति मर जाता है, जिंदा होने और मरने के बीच में फर्क किस चीज का आता है? ऐसा तो नहीं कि उसमें ऊर्जा खत्म हो गई है। कोई व्यक्ति खाना खाते खाते भी मर जाता है, शाम को खाना खाया, सोया और सुबह उठता नहीं, ऐसा भी होता है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कई बार अपने गांव में भी हम देखते हैं कि कोई बंदा रात को सो जाता है, सुबह उठता ही नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि रात को भूख लगी और मर गया है, नहीं, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो उस व्यक्ति को भोजन की ऊर्जा से ही उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसको जीवित रख रही है, और ऐसी कौन सी चीज है जो मरने के बाद उसमें नहीं रहती है? क्योंकि देखो, सामान्य जो साइंस है वो सिखाती है कि प्रोटीन जो है वो ऊर्जा में तब्दील होकर के एनर्जी में बदलती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं या कोई भी हम एक्टिविटी कर पाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मरे हुए व्यक्ति में से प्रोटीन खत्म हो जाता है, नहीं। तो इसका मतलब ये कि कोई तो ऐसी चीज है, चाहे आप उसको सुप्रीम एनर्जी कहें, हम उसको आत्मा कहते हैं, और आत्मा का कोई स्रोत है, सोर्स है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं। तो उसको जानने की जब हम शुरुआत करते हैं, जिस विद्या से उसको जाना जाता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक विद्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिक्स। क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। जैसे फिजिक्स आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं, अध्यात्म को कहते हैं मेटाफिजिक्स। और जिसको मेटाफिजिक्स समझ में आ जाती है, उसको फिजिक्स समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हमारी भारतीय परंपरा में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, अभी रामेश्वर जी ने कुछ ही उदाहरण दिए, उनके पास समय का अभाव था, मेरे पास भी समय का अभाव है, क्योंकि एक घंटे में हम अध्यात्म नहीं जान सकते, लेकिन हाँ शुरुआत कर सकते हैं, कैसे तो शुरुआत करनी होती है। तो हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके विषय में बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूं, साइंस आपने कितना पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले यहां पर कितने हैं, केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ रहा है? दो तीन चार, दो चार ही विद्यार्थी हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक तो होंगे ही। अच्छा, पढ़ाने वाले शिक्षक अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ, केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं, साइंस कौन पढ़ाते हैं यहाँ पर, कौन पढ़ाते हैं? आप, अच्छा आपने कितने साल पहले साइंस पढ़ी थी? कितने? बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले। अच्छा 2 साल पहले पढ़ी थी, शुरुआत कब की थी आपने? 7वीं 8वीं से केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें तत्वों की संख्या कितनी बताई गई थी, कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो सब पढ़ाते हैं ना, तो कितनी थी उस समय? हाँ जी, 108? नहीं, उस जब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए, माइक दे दो। आज से 15 साल पहले तक कोई पूछता था कि तत्वों की संख्या कितनी है तो हमें 108 पढ़ाया जाता था। क्योंकि मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी बहुत, आज से लगभग 17-18 साल पहले, 7वीं 8वीं में, तो उस समय तत्वों की संख्या 108 थी और आज है 118। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मैं मुख्य बात पर आता हूं कि आप जो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसको लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं, वो खुद में भी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि समय समय पर उसमें परिवर्तन होता आ रहा है। 15 साल पहले तत्व जब 108 थे तो नए तत्वों की खोज होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है। चार्ल्स डार्विन का नाम किस किसने सुना है? सबने सुना है लगभग, जितने भी साइंस पढ़ने वाले हैं। विकासवाद का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, चार्ल्स डार्विन, जिनका ये कहना था कि वानर में से, बंदरों में से इंसान बने हैं, ठीक है, बकरी में से जिराफ बने हैं, या ये डायनासोर से ये वो।
चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया अपने समय में विकासवाद का, वो तब तक सही माना जाता रहा था, लेकिन उनके कुछ समय के बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेनिन। लेनिन का नाम सुना है आपने? किस किस ने सुना है? दसवीं में पढ़ने वाले कौन कौन है, कितने विद्यार्थी यहाँ पर? दसवीं की साइंस में ये है, डार्विन और लेनिन का दोनों का सिद्धांत लिखा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो डार्विन के सिद्धांत को तब तक सही माना जाता रहा जब तक लेनिन ने उस सिद्धांत को नहीं काटा। लेनिन ने अपना नया सिद्धांत दिया। लेनिन के बाद अभी अभी एक वैज्ञानिक जिनका देहांत हो गया, आपने नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने अपना कुछ अलग सिद्धांत दिया। अब डार्विन और लेनिन दोनों के सिद्धांत को गलत माना गया और हॉकिंस के सिद्धांत को सही माना गया। इसका मतलब क्या है कि भौतिक विज्ञान में, भौतिक शिक्षा में परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में आज से 1,96,00,000,000 पहले जो चीज बताई गई आज भी वही है, और 1,96,00,000,000 पहले जो ज्ञान वेदों के रूप में आया है आज उस चीज को वैज्ञानिक धीरे धीरे करके खोज करते जा रहे हैं और मान रहे हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय परंपरा में वेदों को हम बताते हैं कि ये तो तुच्छ है, संस्कृत भाषा तुच्छ है। अच्छा, आप में से इंजीनियर बनने वाले कौन कौन है जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ, एक आध विद्यार्थी है तो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग तो साइंस में ही आती है ना? अच्छा, आपको एक जनरल नॉलेज की बात में पूछूं कि इंजीनियरिंग हब कौन से देश को कहा जाता है, कौन सा देश है जिसको इंजीनियरिंग का हब अर्थात केंद्र सेंटर कहा जाता है? जर्मन, ठीक है, जर्मनी को इंजीनियरिंग का हब कहा जाता है। वहां के 26,000 स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि संस्कृत के अंदर जो साहित्य है उसमें इतना विज्ञान भरा हुआ है कि आज के पूरे वैज्ञानिक मिलकर के भी कोई नया सिद्धांत उतना नहीं दे सकते। जो सुबह सुबह वेद पाठ होता है ना, आप में से कितने लोगों ने वेद पाठ करते हुए या हवन करते हुए देखा है, यज्ञ करते हुए देखा है? जब यज्ञ होता है तो वहां एक संकल्प पाठ किया जाता है। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ताकि आपको हमारी आध्यात्मिक जो विरासत में मिली है हमें उसकी महिमा, उसका महत्व समझ में आ सके। जब संकल्प पाठ होता है तो आज भी बताया जाता है कि आज सृष्टि संवत कौन सा है, कहते हैं 1,96,00,000,000 हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं मान रहे थे कि इतना कैसे हो सकता है। फिर अब इस बात को सत्य साबित करने वाली एक खोज हुई, और उस खोज करने वाली वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, शायद नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी का नाम सुना है? उन्होंने किस चीज की खोज की थी? रेडियम की खोज की थी उन्होंने, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। उनके परिवार में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। जब रेडियम की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि किसी भी कार्बन को रेडियम तक पहुंचने में, रेडियम बनने में लगभग 2,00,000,000,000 लग जाते हैं, और 1,96,00,000,000 का मतलब लगभग 2,00,000,000,000 होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हम जो संकल्प पाठ करते आ रहे थे यज्ञों में, हवनों में, हमारी जो, हमारे पूर्वज जो करते आ रहे थे, वो सही था, गलत तो नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले तक गलत लग रहा था। लेकिन हम अपनी चीज को सही कब मानते हैं बताएं? जब कोई बाहर वाला बताता है, जब कोई विदेशी व्यक्ति कोई अंग्रेजी नाम का ठप्पा लग जाता है तो हम अपने सिद्धांत को सही मानने लगते हैं कि अच्छा, उसने इस चीज को सही मान लिया। अच्छा, आपसे एक हंसी वाली, मजाक वाला एक सवाल पूछता हूं जो बहुत ही गंभीर है। आपको पूछा जाता होगा, किसी ने तो पूछा होगा कभी कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, किसी ने तो पूछा होगा, तो आप जवाब क्या देते हैं उसका? कोई भी जवाब दो, सही नहीं बताते हैं ना आपको। आप जब जवाब दोगे कि अंडा पहले आया तो लोग कहेंगे कि मुर्गी नहीं थी तो अंडा कैसे आया। अब आप कहेंगे कि मुर्गी आई तो लोग कहेंगे कि अंडे के बिना मुर्गी कहां से आ गई। लेकिन वेदों में और हमारे दर्शनों में पहले से ये बताया गया था कि 6 प्रकार की सृष्टि होती है,
छह प्रकार के, ठीक है। अभी मैं वैसे ही नाम बता देता हूँ, आपको और ज्यादा जानना हो अभी हम कुछ साहित्य लेकर के आए हैं, ठीक है, यहाँ की लाइब्रेरी में रख देंगे। एक किताब है ब्रह्मांड रहस्य, ठीक है, ब्रह्मांड रहस्य इंग्लिश में है द मिस्टिक यूनिवर्स, अभी सिर्फ हिंदी में ला के रखिए, उसमें पढ़ लीजिएगा अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज सांकल्पिक और सांसिद्धिक, ये छह प्रकार की सृष्टि होती है। उसमें सांकल्पिक सृष्टि में ये बताया गया है हमारे भारतीय परंपरा में कि जितने भी प्राणी हैं उनका किशोर जोड़ा सबसे पहले परमात्मा के संकल्प से पैदा हुआ है। तो किशोर जोड़े में क्या आता है, अंडा आता है कि मुर्गी, मुर्गी है ना, अर्थात ऐसे ऐसे प्राणी पैदा हुए जो सृष्टि को आगे बढ़ा सकते थे, ये वेदों में दर्शनों में लिखा हुआ है। और इस चीज को आज से लगभग 4 साल पहले के वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस समय में इस संसार में सृष्टि का बढ़ना शुरू हुआ तो जो अंडे के सेल में, ऐसा बताते हैं ना लोग जो अंडा खाने वाले, वो कहते हैं कि अंडे में प्रोटीन होता है, तो अंडे के सेल में बाहर के कवर में जो प्रोटीन होता है वो वैसे ही नहीं आ सकता, उसके लिए तो मुर्गी के अंदर से उसका निकलना आवश्यक होता है, मुर्गी के गर्भ में उसका रहना आवश्यक होता है। तो इसलिए मुर्गी पहले आई बाद में अंडा आया, और ये चीज हमारे वेदों में 1,96,00,000 वर्ष पहले लिखी गई थी, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। जब बाहर के वैज्ञानिक ने ठप्पा लगाया तब हम मानने लग गए। ये बहुत ज्ञान की बहुत गंभीर बातें हैं और सरल समझ में आने के लिए तो बहुत सरल तरीके से समझ में आती है, लेकिन ये है कि हमें अपनी विरासत पर भरोसा नहीं है। कहते ना एक गांव में एक कहावत कही जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कहते हैं हाँ घर का जोगी जोगना अन्न गांव का सिद्ध, ऐसा कहते हैं ना। तो वही सिद्धांत जो हमारे ऋषियों ने दिया आज धीरे धीरे बाहर के वैज्ञानिक उसको अपना रहे हैं और फिर वहां का पेटेंट लगा रहे हैं, और पेटेंट लगने के बाद जब भारत में आती है तो हम उस चीज को मानने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए छोटी छोटी चीजों से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो चीज आपने देख रखी है उससे समझ में आए। कुछ समय पहले पतंजलि ने एक दंत मंजन बनाया, और उससे पहले, उससे भी पहले की मैं बात करूं तो हमारे भारतीय परंपरा में हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अध्यापक वगैरह जितने भी बैठे हैं, हम सब पहले कोयले से, नमक से, हल्दी से और तेल से दांत साफ किया करते थे, है कि नहीं। उस परंपरा को सबसे पहले बाहर की जितनी भी कंपनियां थी, चाहे पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, इन कंपनियों ने मजाक उड़ाया पहले के। आज आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा कि पहले के एडवर्टीजमेंट का कैसे मजाक उड़ाया गया है। आज से 20-25 साल पहले तक उस परंपरा का मजाक उड़ाते थे, और आज कोलगेट जो है वो वेद शक्ति के नाम से टूथपेस्ट निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां कौन से वेद की शक्ति बता रहे हैं, आयुर्वेद की। अब वो पतंजलि को टक्कर देने के लिए वेद शक्ति के नाम से मंजन निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि ये सिद्धांत गलत नहीं था, लेकिन हम ही ने पहले उनकी देखा देखी, विदेशी कंपनियों की देखा देखी अपने परंपरा को तिरस्कार किया, छोड़ दिया, त्याग दिया, हमने कोलगेट और पेप्सोडेंट को अपनाया। मैं यहाँ पर पतंजलि का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी भारतीय परंपरा में कितनी कितनी महान बातें और कितना महान ज्ञान छिपा हुआ था। जैसे कि रामेश्वर जी ने कहा कि हम गौरव करते हैं यदि हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो हमें अगर अंग्रेजी अच्छे से बोलना आता है तो हम गौरव करते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन विदेशों में तो झाड़ू लगाने वाला भी अंग्रेजी बोल रहा होता है, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला, टॉयलेट बाथरूम साफ करने वाला भी अंग्रेजी में बोलता है ना। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी भाषा है, और हम अपनी भाषा पर शर्म करते हैं, दूसरों की भाषा पर गौरव करते हैं। आज जापान जैसा देश, कोरिया जैसा देश, ऐसे देश तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी परंपरा को लिए हुए हैं। आप जब अमेरिका जाते हैं तो अंग्रेजी सीख के जाते हैं, आपको लगता है कि अंग्रेजी सीख ली तो किसी भी देश में काम आ सकता है, ऐसा नहीं है। आपको अगर जापान का वीजा चाहिए होता है तो आपको वहां की भाषा सीखना जरूरी है। आपको अगर कोरिया की भाषा सीखनी है, अगर कोरिया जाना है तो कोरिया की भाषा सीखना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारी परंपरा को दुनिया के लोग जाने। और हमारे देश में आप इतिहास भी पढ़ रहे हैं, है ना, समाज शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, हमारे देश में प्रमुख कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं प्रमुख, 22 है ना,
22 भाषाएं प्रमुख है और वैसे तो कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी। तो हमारे यहाँ देखिए हिंदी की भी, यहाँ मैं हिंदी जो बोल रहा हूँ वो अलग तरीके की बोल रहा हूँ, आप गांव में जो बोलते हैं वो अलग तरह की बोलते हैं, हरियाणा में जाएंगे अलग तरह की हिंदी होगी, लखनऊ जाएंगे अलग तरह की। हमारे पास मुख्य रूप से 22 भाषाएं हैं हमारे देश में, लेकिन हम एकजुट कौन सी भाषा से होते हैं? इंग्लिश से? नहीं, आप बोल रहे हैं ना, आप मद्रास जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, केरला जाएंगे तो वहां आप हिंदी नहीं चला पाएंगे, वो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए सबसे पहले हमें हमारी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, लेकिन गौरव कब होगा? जब हम जानेंगे, क्योंकि बिना जाने तो हम नहीं कह सकते ना कि बहुत महान है। दूसरों की सुनी सुनाई बात आप कहेंगे कि महान है, आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी। आपने जिस चीज को कभी खाया ही नहीं है, मैं कह दूं कि ये चीज बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए आप गुजरात नहीं गए कभी, ठीक है, गुजरात में एक आइटम मिलता है ढोकला, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। मैं कह दूं कि ढोकला बहुत अच्छा होता है, आपने कभी खाया नहीं हो तो आप दूसरे को थोड़ी कह पाएंगे कि ढोकला बहुत अच्छा होता है। आपने कभी खाया हो तो आप बता पाएंगे कि सच में अच्छा होता है, ऐसे ही फेंक रहे हैं। इसलिए सबसे पहली बात हम हमारी संस्कृति को जाने, जानने के बाद अपने आप ही वो महान लगने लग जाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति जैसा महान और कोई है ही नहीं। जिस समय में दुनिया के लोग चोरी और लूट से अपना गुजारा कर रहे थे, जिस समय में दुनिया के लोगों को खाने का, रहने का, चलने का ढंग नहीं था, कच्चा मांस खा करके गुजारा करते थे यूरोप के लोग, उस समय में हमारे देश में 3 विश्वविद्यालय थे। नाम याद है आपको? तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ऐसे 3 विश्वविद्यालय थे जहां विश्व दुनिया के लोग आकर के पढ़ते थे और फिर वहां जाकर के यहाँ के ज्ञान का प्रचार करते थे। अंग्रेजों के समय में भी 26,000 से ज्यादा गुरुकुल थे यहाँ पर, जहां जैसे कि रामेश्वर जी ने कहा 18 प्रकार की पढ़ाई होती थी और उसमें विशेष रूप से 4 वेद, 6 दर्शन, फिर वेदांगों का अध्ययन कराया जाता था। हर प्रकार की विद्या का अध्ययन कराया जाता था सामान्य रूप से, और फिर कोई विशेष रूप से आगे बढ़ना चाहे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं 12वीं तक सभी विषय सामान्य रूप से पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको आगे अगर साइंस में आगे जाना है तो आप बैचलर में जा करके आप चुनते हैं कि आपको बीए करना है कि बीटेक करना है कि बीएससी करना है। उसी तरह से गुरुकुल में ये सारी शिक्षा पद्धति थी। तो सबसे पहले हम अपनी परंपरा को जाने, हम अपनी परंपरा को जानेंगे तो पहचानेंगे कि हम कौन हैं, हम कौन सी ऋषि की संतान हैं, उनकी परंपरा क्या रही है, फिर उस ऋषि के ज्ञान के आधार पर हम अपने आत्मा की पहचान करेंगे। जब हम अपनी आत्मा की पहचान करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, उस आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ है, तो उस परमात्मा की पहचान करेंगे। जब हम इन सब चीजों को ज्ञान से जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो हम हमारे मनुष्य जीवन को ये कह पाएंगे कि हमारा जीवन वास्तव में महान है। क्योंकि सबसे पहले मैंने सवाल क्या किया था कि सभी प्राणियों में महान कौन सा है, आपने कहा था मनुष्य, मानव, इंसान। कारण क्या था? ज्ञान का। और ज्ञान कौन सा? अध्यात्म का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भौतिक विद्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक विद्या की आवश्यकता कितनी है वो जानना जरूरी है। जैसे ये माइक है, साउंड सिस्टम है, ठीक है, कैमरा है, रात को बल्ब हम जलाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, ये सभी भौतिक विद्या के चमत्कार हैं, भौतिक विज्ञान के चमत्कार हैं। किसी वैज्ञानिक ने खोज की बिजली की, विद्युत की, किसी ने खोज की मैग्नेट की, चुंबक की खोज की, किसी ने साउंड वेव की खोज की, किसी ने कैमरे की खोज की, तो तब जाकर के ये सारी चीजें इकट्ठी हो पाई। लेकिन इसका महत्व क्यों है? माइक का, साउंड सिस्टम का महत्व अभी आपको क्यों लग रहा है? अभी बंद कर दिया जाए और मैं भी बोलना बंद कर दूं तो ये क्या करेंगे? इसकी महिमा क्यों है? क्योंकि मैं आपके बीच में अध्यात्म की बात रख रहा हूं कोई, और ये माइक एक साधन बना हुआ है मेरी बात को आप तक पहुंचाने में, कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है बात और दूसरों तक पहुंचाने में।
इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने में ये साधन बन रहे हैं। लेकिन साधन का महत्व कब होता है? साधन का महत्व होता है कि मंजिल का? आपसे अगर पूछूं कि साधन और लक्ष्य दोनों में से बड़ा कौन है? महत्व तो दोनों का अपना अपना है, लेकिन लक्ष्य के कारण साधन का महत्व है कि नहीं। जैसे यहाँ पर कोई गाड़ी है, हमें जाना है दिल्ली, तो गाड़ी की तो महिमा है, लेकिन दिल्ली जाने का हमारा जो लक्ष्य है, अगर लक्ष्य ना तो गाड़ी पड़ी रहेगी, और गाड़ी ना हो तो हम भी पड़े रहेंगे, है ना। दोनों का अपना अपना लक्ष्य है। तो जो जितने भी साधन है हमारे जीवन में उनका अपना महत्व तो है, लेकिन लक्ष्य के कारण। और हमारा लक्ष्य कौन सा है? खाना पीना सोना? नहीं, जरूरी तो है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल की जरूरत पड़ती है कि नहीं? डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी, इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो गाड़ी पेट्रोल पंप में ले जाए, डीजल डाले, भरे और ला करके गैरेज में रख दे, अगले दिन फिर से वो डीजल बाहर निकाले फेंक दे, पेट्रोल पंप जाए फिर से डीजल भरे फिर ला करके घर पे रख दे, लेकिन गाड़ी चलाए ना, केवल पेट्रोल पंप तक जाता है, घर तक आता है और रोज पेट्रोल बदलता है, ऐसे मनुष्य को आप मूर्ख कहेंगे कि बुद्धिमान कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, हम भी वैसा ही कर रहे हैं। मनुष्य जो शरीर है वो है साधन, गाड़ी। इसमें भोजन वस्त्र इत्यादि क्या काम करते हैं? घर जो है वो हमारा गैरेज है, भोजन जो है हमारा फ्यूल है, इसमें वस्त्र है या जो भी संसाधन है वो इसके मेंटेनेंस का काम करते हैं। गाड़ी को भी मेंटेनेंस चाहिए होती है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम पैसे कमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, अगले दिन सुबह उठ करके हम क्या कर रहे हैं? फिर खा रहे हैं और दिन भर शाम के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम भी वैसा ही काम कर रहे हैं ना। लक्ष्य हमारा कुछ और ही है, इसका मतलब मंजिल हमारी कुछ और ही है। अब बताइए, हम बुद्धिमान है कि मूर्ख है? मैं नहीं कह रहा हूं। तो हम हमारे लक्ष्य को पहचाने, और लक्ष्य की पहचान हमें मिलती है आध्यात्मिक विद्या के द्वारा, ठीक है। भौतिक विद्या हमें साधन के मेंटेनेंस के बारे में सिखाती है, और आध्यात्मिक विद्या हमें इस साधन के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है और लक्ष्य हमारा क्या है इसके विषय में बताती है। तो आप बताइए कि हमें दोनों विद्या की जरूरत है या सिर्फ एक की? दोनों विद्या की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमें दोनों प्रकार की विद्या की जरूरत है, तो आपको मैं खुले रूप से आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले तो जो साहित्य आपके यहाँ पर उपलब्ध है उनको पढ़िए, जो बातें आपको समझ में नहीं आती है आपके अध्यापक हैं जो अभी मन संचालन कर रहे थे, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जुड़े हुए हैं, वहां पर आकर के ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, उनसे पूछिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अध्यात्म में परमात्मा के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं होता है। ये है कि किसी को थोड़ा कम पता है, किसी को थोड़ा ज्यादा पता है, तो उनको जो नहीं आता है, फिर आपके पास नहीं है संस्था, ज्यादा दूर भी नहीं है, 7-8 किलोमीटर है। जैसे जो बड़ी बहन है, जो बड़े भाई हैं, आ सकते हैं, तो आप समय अगर निकालेंगे तो हम भी अपना समय वहां से जरूर निकालेंगे। या यहाँ पर हफ्ते में एक बार का कार्यक्रम रखिए, हम आकर के आपके बीच में इसी तरह से कोई नई नई बातें समझाएंगे। या आपको वहां आकर के सीखना है, वहां पर लगभग आपका जितना बड़ा कॉलेज है लगभग इससे थोड़ी छोटी लाइब्रेरी है हमारे पास, जहां पर आध्यात्मिक ग्रंथ है, आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। ध्यान करने की अलग जगह है अंडरग्राउंड, जहां पर कोई शोर शराबा नहीं होता, शांति होती है, वहां पर बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। तो आप सबके लिए स्वागत है।